सिक्किम में कुदरत का कहर जारी, बादल फटने से तबाही का मंजर, घटना में सामान्य जीवन हुआ अस्त व्यस्त, देश की सेवा करने वाले जवान आज खुद है खतरे में, 23 जवान हुए लापता, तीस्ता बैराज से 3 लोगों का शव किया गया बरामद, शव की जा रही है सिनार। घटना के बाद सिक्किम सरकार ने हेल्पलाइन नंबर की जारी, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने इस घटना पर जताया अपना शोक, तो वहीं सांसद राजू बिस्टा ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तीस्ता बैराज में बढ़ रहे जलस्तर को देख उत्तर बंगाल में भी तबाही की आशंका, आइए इस पूरी खबर पर हम विस्तार से डालते हैं एक नज़र। बंगाल का पड़ोसी राज्य सिक्किम जो पर्यटन और पर्यटकों का स्वर्ग है, बुधवार सुबह सिक्किम में बादल फटने और कई स्थानों पर हुए भारी तबाही से हालात गंभीर हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, बाढ़ आने से 23 जवानों और 30 नागरिकों के लापता होने की खबर सामने आई। इनकी तलाशी को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रहा, इसके अलावा कई और वाहन और पुलों के भी बाढ़ में बह जाने का वीडियो सामने आया। सिंगताम में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया, वह बारिश के बीच घटना स्थल पर पहुंचे। सिक्किम में बाढ़ के कारण हालत खराब होती जा रही है, सड़क टूटने और बहने की खबर लगातार सामने आ रही है, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। अब इन सब के बीच राज्य सरकार ने सिचुएशन रिपोर्ट जारी कर दी। इधर तीस्ता बैराज से 3 शव बरामद होने की खबर सामने आई, हालांकि यह शव किसके हैं इसकी शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि सिक्किम में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में 23 सैनिकों के लापता होने की खबर से मैं बहुत चिंतित हूँ। इस मामले पर हमारी सरकार की ओर से सहायता और एकजुटता का वादा करते हुए मैं उत्तर बंगाल के सभी संबंधित लोगों से आपदाओं को रोकने के लिए वर्तमान मौसम में अधिकतम सतर्कता बरतने की आग्रह करती हूँ। मैंने पहले ही अपने मुख्य सचिव से आपदा प्रबंधन तैयारी उपायों का समन्वय करने के लिए कहा। कालिंपोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं। बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उत्तर बंगाल भेजा गया। तीस्ता नदी में आई बाढ़ के चलते सिक्किम में सिंगथाम फुटब्रिज भी ढह गया। सिक्किम में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया। जलपाईगुड़ी प्रशासन ने तीस्ता नदी के निचले क्षेत्रों को खाली करना शुरू कर दिया। लोगों को सतर्क रहने और नदी के किनारे यात्रा से बचने की सलाह दी गई। तीस्ता नदी का जल स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। उफनती तीस्ता नदी के कारण प्रमुख सड़कें और पुल बह गए हैं। तीस्ता नदी का जल स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। सिक्किम में निचले इलाकों और तीस्ता नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अचानक बाढ़ की चेतावनी दे दी गई। सिक्किम में तीस्ता नदी का पानी बुधवार की सुबह सिंगताम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में घुस गया, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा ने सिक्किम आपदा और मची तबाही को लेकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से संपर्क किया। सांसद ने बताया कि वह दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई, डुवर्स और सिक्किम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस घटना पर सिक्किम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से प्रभावित सभी पीड़ितों और उनके परिवारों को अपना हार्दिक समर्थन देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। सिंगताम में कुछ लोगों के लापता होने की भी सूचना है, राहत कार्य फिलहाल जारी है। बाढ़ की वजह से खतरा बढ़ने पर सिक्किम सरकार की तरफ से इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो कि हमने आप सभी दर्शकों के साथ इस कैप्शन में साझा किया है।